नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलीकैब का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है, कंपनी ने हर एक फ्रंट पे आपको मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या बीट नहीं किया है, और कंपनी का आपको ईयर बाय ईयर बोली कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कंपनी ने कैसा रिजल्ट पोस्ट किया है और कैसे इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इसमें आपको इन सभी चीज़ों को बड़े विस्तार से वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी आपको फिगर देखने को मिल रही है आपको मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले इसकी बात करें आप टोटल आपका इनकम की, तो आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर में आपको टोटल इनकम जो आपको जनरेट करता हुआ मिला था, आप देख सकते हैं कि 3,754 करोड़ का इसने आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। और इस ईयर की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तो ये आपको ईयर बाय ईयर देख सकते हैं कि 4,411 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर बाय इसमें काफ़ी ऐसे जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, पिछले क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं कि 4,253 करोड़ देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में। तो दोस्तों, आप ईयर बाय ईयर बोलिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बोलिए, कंपनी के टोटल इनकम में आपको काफ़ी ऐसे जंप देखने को मिला है। और दोस्तों, बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंस टोटल खर्चे की, तो यहाँ सारा डाटा देख सकते हैं आप विस्तार से इस वीडियो को पोस्ट करके। और दोस्तों, बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपको पिछले ईयर में देखने को मिल रहा था 480 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो आपको इस ईयर में आपको ईयर बाय ईयर देख सकते हैं कि 546 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर बाय ईयर तो आपको जंप देखने को मिल रहा है। यदि बात करें कि पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में जो आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 557 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, बात करें टोटल आपका टोटल प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि जो इनका प्रॉफिट आपका पिछले ईयर में जो देखने को मिल रहा था 374 करोड़ देखने का मिल रहा था, और इस ईयर में जो उनका ईयर बाय ईयर जो उनका प्रॉफिट में जंप देखता हुआ दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं कि 414 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। और यदि क्वार्टर बाई क्वार्टर की बात करें, तो देखते हैं कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने आपका 436 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि क्वार्टर बाई क्वार्टर इसमें आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन ईयर बाई ईयर इसमें आपको जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर, तो आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर में जो इनका अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा था 23.91 देखने को मिल रहा था, तो यहाँ से आपको उसमें गिरावट देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर बाई क्वार्टर में, जो उनका पिछले क्वार्टर में जिनका जो EPS था 28.38 था, और अभी आपको देखने को मिल रहा है 27.50। और यदि ईयर बाई ईयर बात करें, तो आपको ईयर बाई इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें आपको EPS का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्रॉफिट से, तो यदि प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो आपको EPS में ऑब्वियसली आपको जंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो आपको अपना इस कंपनी तो दोस्तों ये तो आपने इस कंपनी का पूरा डाटा देखा, कंपनी का कैसा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है और कैसा क्या इसका कारोबार रहा है। तो दोस्तों, इसका जो आपका रिजल्ट है आने वाले टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइस में होता हुआ दिखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपको इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।